हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मंजोत्रा और आज हम एक मार्केटिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को, आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक अपने टॉपिक में वायरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि वायरल मार्केटिंग जिसमें हम मैसेज, जो हमारे मैसेज होता है वो ट्रांसफर होता है थ्रू सोशल नेटवर्क, नेटवर्किंग साइट्स जितनी होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके ज़रिए मैसेज स्प्रेड होगा। तो वो पार्ट किसका था? वो भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का था। वैसे एक नया टॉपिक हमारे पास आज हम लेके आए हैं जो वो भी एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का ही है, और वो टॉपिक है हमारा, टर्म है हमारी, दैट इज़ द बज मार्केटिंग। बज क्रिएट करना, बज नाम सुना होगा आपने। तो बज मार्केटिंग होती क्या है? बज मार्केटिंग अगर डेफिनेशन की बात करें, बज मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग टेक्निक कंसिस्टिंग, एज इट्स नेम सजेस्ट्स, ऑफ मेकिंग नॉइज अराउंड अ न्यू प्रोडक्ट और ऑफर। किसी प्रोडक्ट के बारे में हम इसे क्या बोलते हैं? अनपेड प्रमोशन। किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट कर देना, किसी ऑफर के बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट कर देना, उस मैसेज को एम्पलीफाई कर देना, चाहे पॉजिटिव सेंस में चाहे नेगेटिव सेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं? बज मार्केटिंग। ठीक है, सपोज जैसे आप देखते हो, कई बार देखते हो ना, लीक्स आ जाती हैं। आपके कई बार मोबाइल लॉन्च होना होता है, आईफोन 12 हो जाएगा या कोई भी होगा, या सैमसंग S10 या S11 आने वाला होगा, वो उससे पहले कुछ देर पहले कुछ लीक्स आते हैं, कुछ लीक्स आते हैं, लीक्स क्रिएट हो जाते हैं। आज आपकी साइट्स पर आप कह सकते हैं, कहीं पे भी आपको नज़र आ जाते हैं, चाहे आप YouTube पे देखो, चाहे Facebook पे देखो, या कहीं पे भी देखो, आपको वो नज़र आ जाते हैं, मिल जाते हैं, मैसेज आ जाता है आपके पास कहीं ना कहीं, किसी से कहीं, किसी भी सोर्सेज से। अब वो चीज़ क्या होती है? तो आप वो क्या होता है? बज क्रिएट हो जाता है, पता चल जाता है, अच्छा भाई S11 आने वाला है, इस अक्टूबर में आने वाला है, iPhone 12 आने वाला है, इस अक्टूबर दिवाली के आसपास आने वाला है। अब उससे क्या होगा? वो बज क्रिएट होगी, वो क्या थी? एक पब्लिसिटी कर दी, उसका पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, वो क्या थी? एक हमारी पब्लिसिटी होगी। कंपनी तो ठीक है, लीक कर दिया, लीक जानबूझ के भी करते हैं, कई बार हो जाता है, कई बार जानबूझ के करते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें, बज क्रिएट करें। हर कंपनी के जाती ब्रांड क्या चाहता है? कि उसके प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए। अब बात क्यों करेंगे, कब करेंगे? या तो प्रोडक्ट में कोई बात होनी चाहिए, कोई क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे फ्लैगशिप डिवाइस की लोग वेट करते हैं, S11 S10 iPhone 11 iPhone 12 की लोग वेट करते हैं, कब आएगा, बाकी कोई वेट नहीं हो रही। अगर और कोई सैमसंग के और भी फ़ोन आते हैं, J सीरीज़, ये उसकी वेट नहीं कर रहे होते, जो फ्लैगशिप डिवाइसेज होती हैं, फ्लैगशिप डिवाइसेज जितनी भी होती हैं उनकी वेट करते हैं लोग, ठीक है, iPhone 11 आने वाला है, iPhone 12 आने वाला है, कब आएगा। जब उसकी लीक आती है तो फिर उसके बारे में बज़ क्रिएट हो जाती है, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हो जाती है, फिर हर बंदा उसके बारे में बात करता है। तो यही तो ब्रांड चाहते हैं, यही कंपनीज चाहती हैं कि उसके प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए, लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करें। उसे फायदा भी क्या आता है? और भी फायदा होता है कि लोगों का रिस्पांस पता चल जाता है, लोगों का रिस्पांस भी पता चल जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लें, मान लो देखो कंपनीज पे एक एग्जांपल है, जैसे मान लो हम कहते हैं जी सैमसंग S10 लॉन्च करने वाला है। अब S10 को आपको पता है कि जो सीरीज़ उसकी है, S9, S10, S11, जो भी सीरीज़ है उसकी, नोट 10 की सीरीज़ है, वो 50,000 से कम तो होंगे नहीं, ठीक है। लीक आया, S10 लिख दिया, उसकी पिक्चर शो कर दी, पर उसका प्राइस नहीं शो किया। अब कंपनीज क्या कर रही हैं? लीक करने के बाद उसकी पिक्चर देख ली लोगों ने, देख ली तो लोगों ने बज़ क्रिएट की, अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि यार इसका प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो शायद 60,000 होगा, सपोज मान के चलते हैं 60,000 है। अब कंपनी सोच रही थी यार मैंने तो ये प्रोडक्ट 45,000 में लॉन्च करना था, देखना ध्यान से, लोग क्या कह रहे हैं कि 60,000 का प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि 10,000 या 20,000 नहीं बोला, उन्हें पता था ये फ्लैगशिप डिवाइस है, S10 क्या है, फ्लैगशिप डिवाइस, तो कभी भी फ्लैगशिप डिवाइस को कम प्राइस पे वो लॉन्च नहीं करेगा, पता ही है। iPhone 10 अगर 70,000 का है इस बार, तो अगली बार ऑब्वियसली कितने का आएगा, 80,000 का होगा। S10 अगर पिछले इस बार 50,000 का, तो अगली बार 60,000 का होगा। तो बस लोगों ने क्या बस क्रिएट कर दी, लोगों ने कहा कि हाँ 60,000 का तो होगा ही,
तो ब्रांड ने क्या सोचा था, मैंने तो 45,000 का बेचना था, अब दोनों खुशी हो जाएंगे, दोनों प्रॉफिट में, अब दोनों लोग प्रॉफिट में कैसे। अब सैमसंग ने क्या किया, सपोज ये प्रोडक्ट 50,000 में लॉन्च कर दिया, अब जो लोग कस्टमर सोच रहे थे 60,000 है, जो कस्टमर सोच रहे 60,000 को, उसको पता चला 50,000 का, बड़े खुशी हो गए, एक्साइटेड हो गए। अब ब्रांड ने सोचा था कि मैं तो 45,000 का प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, पर 45,000 का ना 50 का कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं 60,000। देखो यहाँ पे भी 5,000 प्रॉफिट ब्रांड ले गया और लोग भी खुश हो गए, लोगों को 60 का 50,000 में मिल रहा था। ये कहने के इस तरीके की स्ट्रेटजी बज मार्केटिंग में रहते हैं कि हम कंज्यूमर्स में लीक करके या किसी भी तरीके से अपने ब्रांड के बारे में बता देते हैं, प्रोडक्ट के बारे, अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बता देते हैं, खास करके वहाँ पे यूज़ की जाती है, जिससे कि लोगों के रिस्पॉन्स जान लेते हैं, फिर वो बज क्रिएट कर देते हैं कि लोग उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कभी देखा, ये भी आप देखते हो, मूवी देख के आते हो आप, या मूवी देखते हो तो आप क्या करते हो, उस मूवी को देखने के बाद आप बज क्रिएट करते हो। अगर तो आपको बहुत अच्छी मूवी लगती है तो आप क्या करते हो, 2-3 बंदों को बताते हैं मूवी बहुत अच्छी है, वो लोग उस मूवी को देखने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अगर वो बज क्रिएट कर देते हैं, ये मूवी अच्छी है, ये मूवी अच्छी है, आपने देखा होगा, आप YouTube पे भी कितने रिव्यूज़ देखते हो, कोई मोबाइल लेना हो, चाहे आप DSLR लेना हो, कुछ भी लेना हो, आप क्या देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, ट्रेंड चलता है। अगर रिव्यूअर्स उस ब्रांड के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिवली कुछ बोल रहे हैं, तो सभी लोग उसी प्रोडक्ट के पीछे भागेंगे, सभी लोग कहेंगे इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अगर एक बार किसी ने कह दिया कि नेगेटिव, उसके बारे में नेगेटिव कुछ व्यूज़ आ गए, तो फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट को लोग बाय नहीं करते। तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बज को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द बज मार्केटिंग, कि लोगों में एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देनी किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जिससे एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हो और कंज्यूमर कस्टमर्स जो हैं उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। तो ब्रांड भी यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में बात की जानी चाहिए। ठीक है, अगर वो बात करेंगे तभी वो ऑडियंस के दिमाग में आएगा, ब्रांड पोजीशनिंग होगी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग होगी। हमें पता है तब प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहाँ पे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देन इन द मार्केट। तो उसी माइंड में उसी ब्रांड की जो इमेज बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट की इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, OnePlus कितना हाइप क्रिएट कर देता है, अभी ये OnePlus की जब 8 आया, OnePlus Nord अभी आया था, उसमें बड़ी हाइप क्रिएट कर दी कि ये चीज़ होगी। ठीक है, वो उनके इवेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इन्विटेशंस भेजते हैं, तो एक बस पहले तो एक महीना, OnePlus की स्ट्रेटजी यही है बस मार्केटिंग पे, वो एक महीना तो पहले बस एक एक्साइटमेंट से प्रोड्यूस कर देते हैं, ये चीज़ आने वाली, ये प्रोडक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो वो बज क्रिएट करते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी वही होता है, अमेजोन पे भी वही चलता है, तो जितने भी रिव्यूज होते हैं वो भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बज क्रिएट की होती है, हाइप क्रिएट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। लोग सोचते हैं कि हाइप क्रिएट हो रही है, पता नहीं इस प्रोडक्ट में क्या होगा। ठीक है, वो पता नहीं वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, वो बात की बात है, पर वो हाइप क्रिएट करने के बाद उस प्रोडक्ट की एक इमेज लोगों के दिमाग में बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज बस मार्केटिंग का एक छोटा सा टॉपिक, होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।